पड़ोस में कुछ मीठा बनने वाला है। ट्रेडिशनल राजस्थानी फूड ये देखिए जी, स्टाइल गैस बन गई उसमें, क्या कर रहे हो आप? टी बना रही हूं हाथों के लिए। तो आज रॉकेट कढ़ी, बाजरे की रोटी, उसके साथ में बनाएंगे हम गरम गरम बैंगन का भरता। गुड इवनिंग गाइज, गुड इवनिंग फ्रॉम पाकी। भाई आप सोच रहे होंगे हमेशा तो गुड मॉर्निंग करते हो, आज गुड इवनिंग कैसे? तो जी आज का व्लॉग हम शाम से स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि दिन भर से हम सो रहे हैं, इतने ज्यादा थक गए थे यार कल। और लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा ही था कैसे हमने खाना ना बनाया करा, उसके बाद उसी सेम प्लेस पे हमने जगह ले ली थी वापस और वहीं पे हमने गाड़ियां लगा दी थी। दिखाता हूँ आपको सामने, ये देखिए जी, ये देखिए। हेलो, गुड इवनिंग, क्या बात है, फुल एनर्जी। तो सागर भाई भी यहीं पे रुक गए थे और हम भी यहीं पे रुक गए थे। तो जी आज का वीडियो में कुछ आपको घुमाएंगे नहीं, हम केवल हमारी एक पहाड़ी गांव में शाम कैसे बीतती है वो बताएंगे, क्या बनाने वाले हैं हम वो भी दिखाएंगे आपको हमारी कैंपर वैन में। तो एक मस्त, एक सुकून भरी और एक सुहावनी शाम होने वाली है। कल सुबह का प्लान हमें अभी तक कुछ भी फिक्स नहीं किया है, कल सुबह सोचेंगे। तो चलिए चलते हैं, तैयारी करते हैं रात के खाने की, डिनर की। आज व्लॉग की शुरुआत भी मैं करूंगा और एंडिंग भी मैं ही करूंगा। आप देख रहे होंगे चिक्की कहाँ गई, मम्मी कहाँ गई, शिवाय कहाँ गए, उन सबको मैंने बोल दिया तुम लोग मजे करो। सबसे पहले शुरुआत करते हैं चाय से, तो आज स्पेशल चाय पिलाते हैं एक बार सबको, क्योंकि सर्दी ठीक ठाक वाली है, बद्रीनाथ जितनी नहीं है लेकिन अच्छी सर्दी है, मतलब इसको अच्छी बोलेंगे, कम नहीं बोलेंगे। तो ये हमारा, हमने गैस का सेटअप कर लिया जिसमें हमें सिर्फ मुश्किल से 30 से 40 सेकंड लगते हैं। तो चलिए जी पिलाते हैं आप सभी को गर्मा गर्म चाय। आप लोग सोच रहे होंगे मैं झुके क्यों खड़ा हूँ, एक्चुअली क्या है थोड़ी ढलान है यहाँ पर, तो गाड़ी आगे से ऊंची और पीछे से नीचे हो रखी है और मेरी हाइट करीब 5-11-6 फुट के आसपास है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, मैनेज कर लेंगे यार। ये गया जी, ये गया इसमें दूध, यहाँ पे मोस्टली ये पैकेट वाला दूध मिलता है, टोन मिल्क जिसको बोलते हैं, ये करीब 15-20 दिन तक खराब नहीं होता अगर आप हल्के फुल्के ठंडे एटमोसफेयर में है ना। हमारी मनसा आ गई है चेंज करके, चाय पियोगे बेटा? हाँ। लो जी तो आज हमारी मनसा में चाय पिलाएगी गर्मा गर्म। तो ये क्या किया मैडम जी आपने अभी तक, क्या कर रहे हो आप? टी बना रही हूं हाथों के लिए। टी बना रहे हो? हाँ। अच्छा तो इसमें अब क्या क्या डालेगा, मिल्क तो डाल दिया पापा ने, इसके बाद क्या डालोगे आप? टी। अच्छा टी डालोगे, और क्या डालती है? शुगर। और वेरी गुड, और सीक्रेट मसाला दादी का वो कौन बताएगा? भूल गए, कोई बात नहीं, बनाएगी मंचा, क्या बात है। ये गई जी इसमें चाय की पत्ती। मम्मी ने बोला तू हट मैं बनाती हूँ, ये दादागिरी है हमारी मम्मी की, मम्मियों के सामने किसी की नहीं चलती। हाँ मम्मियों के सामने किसी की नहीं चलती, सही बोला सागर भैया आपने। हाँ जी तो चिक्की मैडम क्या मेन्यू है आज का? आज का मेन्यू भी सर्दी के हिसाब से है, हम बनाएंगे गरम गरम कड़ी, बाजरे की रोटी, उसके साथ में बनाएंगे हम गरम गरम बैंगन का भरता। ओए होए क्या बात है, अरे यार कुछ मीठा हो जाए साथ में, मीठा का नहीं सोचा क्या? वो भी एक सीक्रेट है, वो भी आपको मिलेगा। मैंने सुना है पड़ोस में कुछ मीठा बनने वाला है, वो तो सीक्रेट है। सीक्रेट है, चलो मिल तो जाएगा ना हमें, ठीक है पहले खाना रिवील होगा उसके बाद। अच्छा खाना रिवील होगा, हाँ वैसे भी मीठा एंड में होता है। और इधर हमारे शिवाय बाबू इंदौरी सेव उड़ाते हुए। हाँ जी चाय गरम चाय गरम चाय गरम। गर्मा गर्म चाय, बेटी बनने के बाद आ रही है तू, है ना? यही होता है। अच्छा यही होता है। हाँ। देखिए जी देखिए चाय रेडी है, मस्त उबाल आ गया इसमें, थोड़ा सा और इसको उबालेंगे ताकि कच्ची कच्ची ना रहे, कड़क चाय बनानी है हमें एकदम। हमारी मम्मी जी वीडियो बनवा के आउट हो गई है। बोले तुम जानो तुम्हारा काम जाने, चाय चाय चाय। चाय गरम। एक्शन। हम रजनीकांत तो नहीं है, चलिए जी आज बैंगन का भरता हम खिलाते हैं आपको हमारी स्टाइल से, वैसे तो आप लोग भी इस स्टाइल से बनाते होंगे,
तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये लहसुन को छील लिया, इधर ये हरी मिर्ची रख दी। इसमें मुझे थोड़ा सा पार्ट ये खराब लग रहा है, तो मैं कट करके जरूर देखूंगा, इसमें 4 कट लगाऊंगा कम से कम। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी किस्मत थोड़ी सी खराब रही है, 2 बैंगन थे, दोनों में से आधा था खराब निकल गया, लेकिन भरता तो भैया खाना है, तो हमने कोई नहीं दोनों को ज्वाइंट कर लिया ये। अच्छा, इसमें मैंने 4 कट लगाए, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, ये मैंने जो लहसुन छीला है इसके अंदर मैं स्टफ कर देता हूँ कट लगा के। तो जब अपन इसको सेकेंगे ना, तो इसका जो स्मोकी फ्लेवर है बहुत ही शानदार आएगा। ये इसके अंदर फिट कर दिया अपन ने। अच्छा, अब ये जो हरी मिर्ची है, इसके भी तीखी वाली हरी मिर्ची है ये, तो एक एक दो दो टुकड़े करके इसी के साथ अपन इसको आग के ऊपर सेकेंगे। शायद आप में से भी काफी लोग इस तरह से बनाते होंगे। ठीक है जी, अब फटाफट अपन करते हैं गैस ऑन। और इसको धीरे धीरे आंच पे सेकने के लिए रख देते हैं। लो जी, तो उधर हमारे बैंगन सिक रहे हैं और इधर हमारी मम्मी जी ने एंट्री मारी है वापस। देख लीजिए इतने इतने पार्ट में खाना बन रहा है। तो ये है, बेसन डाल चुके हैं इसमें और बेसन फेटेंगे पहले। तो इसमें डाल रही हूँ मैं कसूरी मेथी। तो गर्मा गर्म कढ़ी पीने को मिल जाएगी आज तो सर्दी में, बैंगन का भरता मिल जाएगा, बढ़िया फ्राई करेगा। खैर, कढ़ी तो आप सभी के घर में बनती होगी अपने अपने तरीके से। गैस बन गई, उसमें क्या कर रहे हो आप? तो यहाँ पे कांड हो गया है। इसमें हमने छाछ भर रखी थी बटर मिल्क, और इतनी तेज गैस बन गई ना, इसमें गाड़ी हिलती गई ना। ये देखो, शैंपेन की बोतल खोल ली हमारी मम्मी जी ने, नाक कान गले सब में पूरा सीन हो गया भैया, सीन हो गया। ये देखो क्या स्पीड से ये यार, ये तो रॉकेट की तरह है। तो ये छाछ है ना, बद्रीनाथ वगैरह कहाँ घूम के आ गई वहां पे। वैसे ही हाई एल्टीट्यूड की वजह से है ना, जितने भी पैकिंग आइटम होते हैं ना, उनके अंदर एयर प्रेशर बढ़ जाता है, और यहाँ पर इतना तेज प्रेशर आया ना। तो लो जी, बच्चे कुछ छाछ से अब हम बना रहे कड़ी। बच्चे कुछ नहीं है और है क्या? एक बोतल और है मेरे पास। तो उसको अब आराम से खोलना, वो मतलब अंतरिक्ष में पहुंचा दोगे कड़ी को आप? पूरा ऊपर जो हमारे तिरपाल लग रहा है ना, वो छेद हो जाएगा। ये देखो, अरे ऊपर देखो मम्मी। तो दोस्तों देखिए कितनी ऊपर तक गई हमारी छाछ ये। ये ऐसा तो पहली बार देखा यार, और पहली बार ही हुआ अपने साथ। तो जब भी आप छाछ से कुछ काम करोगे ना, तो सोच के हंसी आएगी अपने को, ये सीन, ये लाइफ टाइम मेमोरी हो गई अपनी। तो दोस्तों मम्मी दूसरी छाछ की बोतल लेकर आई है, और इसको खोलते डर लग रहा है। मम्मी इसमें भी गैस बनी हुई, इसको दबा के देखो एक बार। अरे भाई मेरे को तो डर लग रहा है। गया। धीरे धीरे खोलो। तो दोस्तों वो कहते हैं ना, दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता, तो यहाँ पे वो सेम कहावत चरितार्थ हो गई हमारे। तो ये गई हमारी छाछ इसमें, और फटाफट अब कड़ी बना देंगे। आप लोग भी कभी ट्राई करना, रॉकेट बम ये। और इधर कहाँ तक पहुंची हमारी हलवे की कहानी? आपको तो बताना नहीं था, ये तो सीक्रेट था। अरे यार, सीक्रेट तो हमारे लिए था ना। फिर आपने देख लिया? हाँ, मैंने चीटिंग कर ली। खुशबू इतनी तेज आ रही है, खुशबू इतनी तेज थी तो आग बंद करके अंधा भी पहचान जाए कि भैया सूजी का हलवा बन रहा है, सूजी प्लस बेसन है ना। तो देखिए जी, ये है हमारी 5-स्टार कैंपिंग। तो जी, ये वापस सास बहू की जोड़ी एक साथ आपको देखने को मिल रही है। इधर बैंगन सेक रही है चिक्की, और उधर मम्मी कढ़ी बना रही है गर्मा गर्म। अभी बैंगन हो चुके हैं, अब इनको हम करेंगे फ्राई। चिक्की, इस कढ़ी का क्या नाम रखना चाहिए? अपन हमेशा कुछ ना कुछ यूनिक नेम रखते हैं, तो आज रॉकेट कढ़ी, रॉकेट कढ़ी। तो भैया जो रॉकेट की स्पीड से जाती है ना, वो रॉकेट कढ़ी हम आज बना रहे हैं। लो जी, तो ये गया घी इसमें कढ़ी के छोंक के लिए, घी के बिना तो भैया कढ़ी अधूरी है। और इधर हमारे बैंगन देखिए पूरे सिक चुके हैं, टूटे फूटे ही सही, इतना खूबसूरत नहीं दिख रहा होगा, लेकिन खाने में दोस्तों जो टेस्टी बनने वाला है ना, देखना आप। और भानु मैडम हम निरीक्षण करने आई है। नहीं, ये भी मतलब बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, मैंने एक या दो बार इनके हाथ का टेस्ट करा, मतलब खिचड़ी जैसी चीज भी इन्होंने इतनी टेस्टी बनाई थी कल, बहुत अच्छी थी सच में, कोई झूठी तारीफ नहीं करता हूँ मैं। खुशबू से मैंने ऐसे पड़ोसी मिलने चाहिए सच में, आज जो अगर हलवे की खुशबू आस पड़ोस होता ना, तो पूरा इकट्ठा हो जाता, इतनी तेज खुशबू आ रही इनके हलवे की। तो ये गई जी इसमें राई, मस्टर्ड सीड, उसके बाद ये क्या है मम्मी? हींग। ये हींग गई। अब आ जाओ जी ये उड़द दाल, दाना मेथी, अरे सॉरी दाना मेथी। ये तेज पत्ता हो गई, ये सूखी लाल मिर्ची हो गई, और ये सूखी लाल मिर्ची हो गई, कड़ी पत्ता जो कि हमने वहाँ पे नदी किनारे तोड़ा था। भाई खुशबू बहुत शानदार, बहुत शानदार। खुशबू सही आई ना? खुशबू
मजा आ गया भैया। चलो जी, इनको भी खुशबू आ गई। मैं घर पे कड़ी नहीं खाता हूँ, लेकिन यहाँ पर तो मैं दो दो कटोरी पीने वाला हूँ आज। अगर सारे मसाले वगैरह आप लोगों के पास है ना, और ऐसी लोकेशन मिल जाए तो डबल टेस्ट हो जाता है। लो जी, तो हमारा हलवा भी ये ऑलमोस्ट रेडी है, और सच में खुशबू देख के इससे वेट नहीं हो रहा मुझसे, पर ठीक है, खाने के बाद खाएंगे इसको गर्मा गर्म। तो दोस्तों देखिए, दो दिन पहले यहाँ पे केवल हमारी गाड़ी खड़ी थी, और आज देखिए सागर भाई की भी गाड़ी है, तो दो गाड़ियों का जोड़ा बन गया देखिए। और कितना सुंदर लग रहा है ये लाइटिंग से, पूरा वुडन का कितना बढ़िया लुकिंग आ रही है देखिए आप। इधर तो हमारा ये हलवा बन रहा है जो कि ऑलमोस्ट रेडी है, खुशबू बाहर तक आ रही है, बाहर तक। पर भैया यहाँ पे लेके खड़ी तो बोले आपको ध्यान रखना, इस टाइम तेंदुआ आता है यहाँ पे। तेंदुआ आता है भैया जी, टॉयलेट करने निकलो ना तो ध्यान रखना, तेंदुआ आता है। लोकल ने बोल दिया, मतलब आएगा जरूर। तो दोस्तों, अभी ढाबे वाले भैया ने एक बात बताई हमें कि तीन दिन पहले यही पे जस्ट जहाँ पर हम है ना, यहाँ पर तेंदुआ एक कुत्ते के बच्चे को उठा के ले गया। मतलब रेगुलरली आता रहता है हफ्ते 10 दिन के अंदर। तो अब जब से उन्होंने वो चीज बोला है ना, सागर भाई यहाँ पे डर का माहौल, तो एक थोड़ा यार दहशत का माहौल हो जाता है। कुत्ता जरा सा भी भोंकता ना तो ऐसा लगता है यार तेंदुआ आ गया। हालांकि देखो, अवेयर करने वाली बात है, अच्छी बात है उन्होंने हमें बताई है, और पहाड़ों पे रिस्क तो रहती है इन चीजों की। तो फिलहाल तो ये आज यहाँ पे टेंट लगाएंगे नहीं, ये कार कैंपिंग ही करेंगे, तो गाड़ी के अंदर सेफ है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और कोशिश करेंगे रात को बाहर ना निकले, टॉयलेट वगैरह करना है, सब कर करा के सोएंगे। गाइस, जब क्या है माइंड में एक बार बात आ जाती है ना कि तेंदुआ आता है, जब जरा सी भी हरकत होती है ना तो माइंड में तेंदुआ ही घूमता है। तो जी, ये देखिए हमारे इधर बाजरे का आटा लग चुका है, तो अब गर्मा गर्म बाजरे की रोटी कड़ी विद बैंगन का भरता। अब बना रहे हम बैंगन का भरता। लो जी, तो अब हमारी रोटी बनने की तैयारी चालू है, पतली पतली बाजरे की रोटियां बनेगी अभी गर्मा गर्म। अब तो सही बात बोलूं, टेंशन होने लग गए तेंदुए की, क्योंकि सुनसान हो चुका है, आसपास के सब जा चुके हैं लोग बाग, केवल हम लोग, हमारी दो गाड़ियां बची है यहाँ पे, और लाइटें भी जल्दी बंद होने वाली है यहाँ पर। ये देखिए जी स्टाइल, ये वाली रोटी बेलन से नहीं बनती है, ये हाथ से ही बनती है। तो यहाँ पर देखिए, इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए कोयले के दो टुकड़े छोटे छोटे से मिल गए थे पास में ढाबे वाले भैया से, तो इसकी हम इसमें धुनी, हमारे इधर धुनी बोलते हैं, तो स्मोकी फ्लेवर करके इसमें बीच में रख देंगे और इसको ढक देंगे, तो इतना स्मोकी और बढ़िया फ्लेवर आएगा देखना आप। ये गया जी इसके अंदर कोयला बीच में, और ये इसको ढक दिया। चलो जी, हो गया इसका काम। ये लगा दिया जी हमने बड़ा वाला तवा, स्टाइल देखिए, और ये गई इस पे तवे पे, हाथ से बनी हुई है, इसमें बेलन का यूज नहीं किया है। और ये उधर से सेकंड रोटी बनने वाली है हमारी, ये देखिए जी ट्रिक देखिए बनाने की, ये बन गई ऑलमोस्ट। तो हमारी पहली रोटी रेडी है, और इस पे आया ये देसी घी। आवाजें निकाल रही है, बैठी बैठी है, डरा रही है क्या तू पापा को? देखिए जी, देखिए ये प्योर ट्रेडिशनल राजस्थानी फूड, कढ़ी हो गई, बाजरे की रोटी हो गई, और बैंगन का भरता। लीजिए, पहला भोग आप ही लगाइए। और ये हमारी माता जी लेकर आ गई है सेहत का जुगाड़, दोनों मिल्टन की बोतलों में दूध फुल करा के ले आई है, बोला रात को दूध पियेंगे आराम से, बोला चलो ठीक है। क्या बोले एक बार दोबारा बोलना। गाइस, मेरे को भरता पसंद नहीं है, बट भाभी ने और आंटी जी ने बहुत अच्छा बना के दिया, तो पहली बार खा रहा हूं, तो अच्छा बना है। देखे जी, कुछ डिफरेंट टाइप का खाना अगर पहाड़ों में खाने को मिल जाए ना, तो उसकी बात अलग होती है। इस बार हमें खाने की बिल्कुल भी कमी नहीं है, हमारे साथ मक्कड़ बंद। लो जी, तो अब हमारी बारी है, गर्मा गर्म कढ़ी पियेंगे पहले, सबसे पहले। और मम्मी ने हमारे थोड़ा सा दिमाग और ज्यादा लगा लिया, तवा बड़ा, तो उसपे तीन तीन छोटी छोटी रोटियां एक साथ सिक रही है, तो बहुत स्पीड से हो जाता है। तो जैसा कि कल मैंने डायलॉग मारा था, सैमसंग प्रो और ये सैमसंग प्रो मैक्स। फाइनली अब हमारा नंबर आ चुका है, अब हम टेस्ट करके बताएंगे कैसा बना। मजा आ गया भाई दोनों, मम्मी कढ़ी भी एक नंबर, चिक्की भरता भी एक नंबर, बहुत शानदार। खा के मम्मी खुद की तारीफ करके बताओ एक बार कैसी बनी। मैं तो बताऊं नहीं, मैं खिला के फिर तारीफ सुनती हूं। कुछ मीठा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। भानु जी के हाथ का बना हुआ हलवा। तो गाइस, बहुत ही अच्छा वाला डिनर हो गया, पार्टी हो गई। डिनर तो क्या मतलब, इतने सारे आइटम, हलवे की पार्टी और दे दी भानु जी ने,
बहुत शानदार हलवा था, सबने बहुत आराम से खाना खाया। अच्छा अब बज रही है रात के 10, और जैसा कि पास में ढाबे वाले भैया ने बताया कि आप लोग टाइम से अपने अपनी जगह पहुंच जाइए, वो लोग भी जा रहे हैं और बिल्कुल सुनसान हो चुका है, तो टाइम से चलते हैं यहाँ पे। और कल का प्लान अभी कुछ भी फिक्स नहीं है, तो चलिए आज का व्लॉग यही एंड करते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।